आवाज आ रही है? हेलो चलो गुड इवनिंग एवरीवन, कट आउट है। ये आंसर है अरे वो आंसर थोड़े आएगा, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर बताओ। किसी का ऐसा सही नहीं है। केवल 4 डिजिट का आंसर है। चलो मैं लिख देता हूं, देखो आज कर देंगे, कर दो एक बार ट्राई करो, फिर नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास पूछ लेना। कैलकुलेशन है उसमें, कुछ ऐसा है नहीं कि जो मैं बताऊं, सिंपल कैलकुलेशन। कोई ऐसा इंटीग्रेशन था ही नहीं, 3x² था तो उसका क्या हो जाएगा x³, फिर 8024 x था, वो इतना आसान इंटीग्रेशन है, कैलकुलेशन है थोड़ा बस। ठीक है चलो कर लेना, नहीं बने तो फिर पूछना नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें मेन पार्ट जो है वो अपना प्रॉपर्टीज है। लास्ट क्लास में केवल हमने इंडेफिनेट के इंटीग्रेशन के तरीके से सोल्व करके और प्रॉपर्टीज को हमने अप्लाई कर दिया था। अब आज के क्लास में क्या है कि भाई, कि मान लो इंटीग्रेशन अगर प्रॉपर्टी के थ्रू सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 प्रॉपर्टीज ये है कि अगर मान लो कोई इंटीग्रेशन ऐसा दे रखा है, इंटीग्रेशन है a to b f(x) dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसमें अगर क्या करो आप, अगर मान लो इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट, अगर इनके पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करोगे, यानी अगर इसको हम लोग ये लिखे b to a f(x) dx, तो क्या आ जाएगा, एक बार माइनस आ जाएगा। सिंपल बात है कि भाई हम करते क्या है, हम करते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर ऐसे ही आता है अगर याद हो तुम्हें तो, f(upper limit - f(lower limit) यही है। तो इसमें अपर लिमिट बी था, इसमें अपर लिमिट ए था, तो क्या हो जाएगा b - a। लेकिन हमने क्या किया, इसमें पोजीशन को उल्टा कर दिया ना, तो इसमें जो रिजल्ट इसका आएगा, इस वाले पार्ट का, वो क्या आएगा, ये आएगा f(a - f(b). जब इन दोनों को इक्वेट करना है, तो अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। जैसे माइनस से लगाओगे तो वापस वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर अधिकतर केसेस में हम तब करते हैं जब माइनस साइन को कंज्यूम करना है। अगर माइनस साइन को कंज्यूम करना, तो उस केस में ये वाला प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होता है कि जैसे बाहर माइनस साइन आया, क्या करो, लिमिट के पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दो, अपने आप माइनस साइन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस साइन था, जब पोजीशन चेंज करोगे तो एक और माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब बड़ा आसान भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है, इसमें कुछ है नहीं कि अगर हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट के पोजीशन को चेंज करेंगे तो माइनस साइन एक एडिशनल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है,
चलो दूसरा, दूसरा ये समझ रहे हो कि मान लो ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो, यहां पर तुम एफ टी डी टी लिखो, ए से बी लिखो, लिमिट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब तुम ए से बी एफ एक्स लिखो या एफ ऑफ टी लिखो, और फंक्शन सेम है, वेरिएबल चाहे तुम जो भी रखो, एक्स के रेस्पेक्ट में रखो या टी के रेस्पेक्ट में रखो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो डेफिनेट में हमेशा आंसर क्या आता है, न्यूमेरिक आंसर आता है ना, नंबर में आंसर आता है 2 4 इस टाइप का। इनडेफिनेट में फर्क था, इनडेफिनेट में क्या था कि इनडेफिनेट में भाई अगर तुम वेरिएबल चेंज करोगे जो ओरिजिनल कुछ और दिया है, तो लास्ट में हमें उसी के रेस्पेक्ट में आंसर को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसका एक और पार्ट बताया था जब लास्ट क्लास में, तुम्हें याद हो कि अगर एफ ऑफ जी एक्स डॉट जी डैश एक्स हो, याद होगा तुम्हें कि भाई कुछ लेट करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, तो लिमिट की वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, तो वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई इंटीग्रेशन हो ए से बी में एफ एक्स डी एक्स में, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ए से एक्स वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स वन से एक्स टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस एक्स टू से बी एफ ऑफ डी एक्स। ठीक है, देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें का लाइन और लिख सकते हो, वेर एफ इज ए पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, नोट कर लिया, लिख लो, फिर एक्सप्लेन करता हूं थर्ड वन। देखो अगर याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था एक, हालांकि जब इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तब भी मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, एक कंटिन्यूअस फंक्शन का नेट एरिया निकालता है। इसने क्या बोला कि फंक्शन इज ए पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी देखो अगर मान लो कोई फंक्शन ऐसा है, देखो यहाँ पे ये ठीक है, अब मान लो ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये y इक्वल टू एफ एक्स, इसको a से b में इंटीग्रेट करना है, जो तुम्हें दिख रहा है a से b में इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या बताता है, याद करो एरिया बताता है। लेकिन फर्क ये है कि मान लो अगर फंक्शन ऐसा होता है a से b में ऐसे होता है, ठीक है ना, ये अपना a हो गया और ये अपना b हो गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा एरिया डायरेक्टली आ जाएगा ही। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि फंक्शन जो है एक्स वन पे भी ब्रेक हो गया, एक्स टू पे भी ब्रेक हो गया, तो अगर तुम ए से बी में इंटीग्रेट करोगे तो इसको पीस वाइज कंटिन्यूअस है, यानी ए से एक्स वन में कंटिन्यूअस है, फिर एक्स वन से एक्स टू में कंटिन्यूअस है, देन एक्स टू से एक्स बी में, मतलब एक्स टू से बी में कंटिन्यूअस है। तो हमने क्या किया कि उसी तरीके से फंक्शन को ब्रेक कर दिया कि पहले ए से एक्स वन का मतलब क्या हुआ, ये वाला एरिया निकालना, तो देखो ये वाला पार्ट आ जाएगा,
ये वाला आ जाएगा, ठीक है। एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि एक साथ लोगे तो भाई ये तो पूरा ऐसे जा रहा है ना, तो ये तो पूरा इधर का होना चाहिए, ये तो यहाँ पे डायरेक्टली नीचे आ गया, यानी फंक्शन क्या होगा, ब्रेक हो गया। तो फंक्शन अगर ब्रेक हो गया तो फिर वापस हमें लिमिट को भी क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो जहां तक वो कंटिन्यूअस था वहां तक तो मैंने एक ही इंटरवल में रखा या एक ही इंटीग्रेशन में रखा। जैसे मालूम चला कि फंक्शन x1 पे ब्रेक हुआ, सडनली मैंने क्या किया, उसके पोजीशन को चेंज कर दिया कि जो a से b में था उसको मैंने क्या किया, a से x1 लिया, फिर x1 से x2 ले लिया, x1 से x2 में फर्दर क्या हुआ, देखो ये अपना कंटिन्यूअस था, ठीक है। फिर x2 पे ब्रेक हुआ तो उसके अनुसार मैंने वो कर दिया। अब ये बोलोगे सर पता कैसे चलेगा, तो देखना पड़ेगा। जैसे ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है कि मॉडुलस फंक्शन आ गया, मॉडस फंक्शन के साथ या जीआईएफ आ गया या फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ गया, तो ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो किसी किसी इंटरवल में उनका डिफिनेशन चेंज हो जाएगा या फिर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राफ ब्रेक करके सोल्व करना पड़ेगा। ध्यान रखना इन्हीं तीन चार टाइप्स में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, मॉड में आएगा या जीआईएफ में आएगा या अपना फ्रैक्शनल पार्ट में आएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो इन्हीं में आते हैं, क्योंकि मॉड में क्या होता है, मॉड में एक इंटरवल से दूसरे में जाओगे तो उसका डिफिनेशन चेंज हो जाएगा, एक बार पीछे प्लस आएगा एक बार पीछे माइनस आ जाएगा, तो अलग अलग ब्रेक करना पड़ेगा। दूसरा जीआईएफ में देखते ही हो कि भाई किसी इंटरवल में कुछ और वैल्यू देगा फिर किसी और इंटरवल में कुछ और देना शुरू कर देगा, यानी फंक्शन का नेचर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो उन सब के लिए ये सारे के सारे अप्लीकेबल होते हैं, समझे। बताओ डाउट है किसी को, समझ में आ गई है, एक क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये ज्यादातर क्वेश्चन में कहां पर रिपीट करेंगे, ये वहां पर यूज करेंगे जहां पर फंक्शन किस तरह का हो, या तो उसका डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा हो या फिर सेकंड पार्ट क्या होगा उसका डिफिनेशन चेंज कर रहा हो। जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। जैसे बना लिया, इसको नोट कर लिया ना, नोट डाउन कर लिया, चलो। अरे आज कुछ है क्या, आज कोई एग्जाम वगैरह चल रहे हैं क्या, कम लोग आज दिख रहे हैं। केवी का पेपर था, अच्छा क्लास तो फिर नहीं लगाना, चलो देखो ध्यान से समझे। यहाँ पे अपने पास क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ बॉक्स एक्स, ये बॉक्स है ठीक है, जीरो से थ्री, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ बॉक्स एक्स जीरो से थ्री, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना, अब देखो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये फंक्शन कैसा है भाई, इसका ग्राफ तो तुरंत दिखना चाहिए। ये कैसे डिसकंटिन्यूअस होता है कि ये जब जब इंटीजर को क्रॉस करेगा तब तक ये क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज करेगा। मान लो अंदर का नंबर एक्स है तो ये अंदर का नंबर जब तक जीरो से वन होगा तब तक तो ये वन देगा, जैसे इसका आउटपुट वन से टू हो जाएगा तो फिर क्या देना शुरू कर देगा वन, फिर जैसे टू से थ्री होगा तो टू दे देगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसे चेंज करना पड़ेगा। अब ये क्या है कि भाई बॉक्स है, बाहर का लिमिट क्या है जीरो से थ्री, तो इसको चेंज कैसे करते हैं वही समझो, जीरो से वन बॉक्स एक्स, फिर वन से टू बॉक्स एक्स, फिर टू से थ्री बॉक्स एक्स। ऐसे क्यों किया भाई, क्योंकि देखो ये जो लिमिट है ना वो x के रेस्पेक्ट में, हमेशा लिमिट x के रेस्पेक्ट में होता है, जो d के साथ है ना, ये जो d के साथ है लिमिट हमेशा उसी के रेस्पेक्ट में डिफाइंड होता है। तो अगर d ऑफ x है तो ये लिमिट x के रेस्पेक्ट में है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग इसके लिमिट को ब्रेक करना है, हमें ये सोचना है कि अंदर का नंबर कब कब इंटीग्रल वैल्यू को चेंज करेगा। तो देखो अगर x था तो अगर जीरो डालोगे तो जीरो पे जीरो आएगा, और जब वन डालेंगे तब वन होगा, यानी पहला इंटीजर जीरो मिला
उसका अगला इंटीजर क्या मिलेगा, वन। अब हमें सोचना है कि वन कब होगा, तो वन पे ही वन आएगा क्योंकि एक्स था। लेकिन देखो फर्क कहाँ होगा, अगर मान लो इसी में टू एक्स होता, देखो ये समझ जाओ फिर इस, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें अभी तक। अगर मान लो ये टू एक्स होता, लिमिट मान लो जीरो से थ्री होता, तो फिर हम इसके रेस्पेक्ट में सोचते कि भाई ये इंटीजर, पहला इंटीजर अगर जीरो डालोगे तो जीरो पे क्या आएगा, जीरो। अब हमें ये सोचना है कि ये वन कब होगा, तो देखो टू एक्स है तो यहाँ पर वन नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर वन डालोगे ना तो टू इंटू वन टू हो जाएगा, यानी पहला इंटीजर अगर जीरो है तो अगला इंटीजर हमें क्या मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए ना भाई। अगर जीरो पे जीरो आ रहा है, हमें तो कंटिन्यूटी में जीरो आया, फिर वन आएगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा, इस तरह से इंटीजर को चेंज करना है ना। तो अगर जीरो पे जीरो मिल रहा है तो अगला हमें ये ढूंढना है कि यहाँ पे एक्स का वो लिमिट डालो जिससे कि अगला इंटीजर आए, और इंटीजर क्या है, वन। तो वन कहाँ पर आएगा, हाफ पे आएगा, कहाँ पर आएगा, हाफ पे। तो ये क्या होना चाहिएगा, ये जीरो से वन था तो इसके रिस्पेक्ट में लिमिट क्या करते हैं, जीरो टू हाफ, फिर हाफ से वन, फिर वन से थ्री बाई टू। तो बस यही है कि ये जब जब इंटीरियर चेंज करेगा ना, उसके अकॉर्डिंग लिमिट को हमें चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। समझ रहे हो, बताओ क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा है। देखो बॉक्स का यहाँ बहुत खेल है, अगर भूल गए हो या कम याद है तो थोड़ा सा जो हमने क्या नाम फंक्शन में किया है उसको वापस रिवाइज कर लेना। बॉक्स, मॉडुलस और अपना क्या नाम है ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये तीन बहुत ही ज्यादा आएगा, ठीक है ना, नहीं तो हमेशा हर क्वेश्चन में कंफ्यूज रहोगे अगर कंसेप्ट याद नहीं है ठीक से। ठीक है, मैंने बॉक्स के बारे में एक बात बताया भी था कि बॉक्स कैसा फंक्शन है, बॉक्स एक ऐसा फंक्शन है कि वो ओवरऑल वेरिएबल है लेकिन एक फिक्स इंटरवल में हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो देखो अगर ये जीरो से वन है तो जीरो से वन में बॉक्स एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जीरो से वन इसका वैल्यू जीरो डी एक्स, फिर वन से टू में इसका वैल्यू क्या आएगा, वन, तो वन हो गया, फिर टू से थ्री में इसका वैल्यू क्या आएगा, टू डी एक्स। देखो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी बॉक्स का इंटीग्रेशन नहीं किया, हमने यहाँ देखो कर रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है ना, वो लिमिट चेंज करके हमने कांस्टेंट लिख दिया उसका। ठीक, अब ये तो जीरो हो गया, ये dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, 1 से 2 लिमिट है, ये 2 तो कांस्टेंट है बाहर जाएगा, अभी भी dx है, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x, लिमिट क्या है, 2 से 3। अब सोल्व करो, ये 0 था, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, क्या आ गया आंसर, फिर मैं बोल रहा हूँ अगर बॉक्स याद नहीं है, भूल गए हो तो फिर बहुत मुश्किल होगा समझने में, तो बेहतर है कि जाके एक बार पुरानी चीजों को रिवाइज कर लेना प्रॉपर तरीके से। ये पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुम्हारा जीआईएफ मिलेगा, बॉक्स मिलेगा, मॉडुलस मिलेगा, ये बहुत, और ये थर्ड प्रॉपर्टीज तो कंप्लीटली बेस्ड ऑन जीआईएफ, फ्रैक्शन और मॉडुलस, ये तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। बताओ कोई डाउट है किसी को, एनीबडी एनी डाउट, चलो ठीक है। देखो मैं पहले क्लास में बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन आसान होता है लेकिन आंसर जल्दी आता नहीं, कैलकुलेशन हमेशा इसमें प्रॉब्लम करता है, तो आराम से करो लेकिन आंसर सही निकालो। हाँ
जैसे हो जाए बताना। सेकंड का वन आ रहा है, आ रहा है वन। सेकंड का आंसर क्या वन आ रहा है? अलग अलग मत निकालो यार तुम लोग। टू का टू आ रहा है।
हो गया, करना है सेकंड नहीं करना भाई। ये तो हो गया कि क्या माइनस वन से जीरो, जीरो से वन, फिर वन से टू, तो माइनस वन से जीरो में तो माइनस वन आएगा इसका, जीरो से वन में तो जीरो हो जाएगा, वन से टू में वन हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस वन डीएक्स का एक्स, लिमिट जीरो, लिमिट माइनस वन से जीरो, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, ये एक्स वन से टू, ठीक है। अब ये माइनस वन है और ये क्या आ जाएगा, जीरो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ये वन आएगा, यानी ये माइनस वन, ये प्लस वन, यानी जीरो आ जाएगा। कैसे काम चलेगा यार, किसी का सही नहीं है, बताओ, कोई वन निकाला है, कोई टू निकाला है। देखो मैं बार बार बेसिक्स समझा रहा हूँ, बेसिक्स नहीं आएगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन जंप करोगे तो फिर लर्निंग जो है ना वो फिर हो नहीं पाएगी। बार बार बोल रहा हूँ, शुरू से बोल रहा हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रेशन आसान है, क्वेश्चन का आंसर निकालना डिफिकल्ट है। कैलकुलेशन अगर सही ढंग से नहीं करोगे आंसर हमेशा गलत आएगा, इस बात को समझो, चाहे वो अपना बोर्ड का पेपर हो या जेई का पेपर हो। थर्ड को बताओ, थर्ड का एक का फाइव आ रहा है और एक का सेवेंटीन आ रहा है, आर्या का फाइव और जैस्मिन का सेवेंटीन है, देखो अलग अलग आंसर अभी भी।
अब क्षितिज का 16 आ रहा है, बताओ यार अलग अलग आ रहे हैं सबके। चलो मैं ही करता हूं। देखो ये होगा 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, क्योंकि बॉक्स किस पे है, एक्स पे, और एक्स क्या होता है, बॉक्स एक्स पे है और एक्स कहां पे इंटीजर चेंज करेगा, 1 से 2 में ये वन इसी के ऊपर है ना, जिसके ऊपर हमने लगाना है उसी के अकॉर्डिंग वो इंटरवल चेंज होगा, ठीक है। तो अगर एक्स 1 से 2 में होगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा, तो x तो एज इट इज रहेगा, x तो एज इट इज रहेगा, ये माना जाएगा। फिर सिमिलरली यहाँ x एज इट इज रहेगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर x एज इट इज रहेगा और ये 3 आ जाएगा, dx सब में है। अब ये मत बोलना इसकी वैल्यू चेंज कर देना, भाई x तो वेरिएबल है ना, x तो एज इट इज x है और x का लिमिट 2 से 3 है, तो x को कुछ नहीं डालेंगे, x तो एज इट इज x रहेगा, ठीक है। अब इंटीग्रेट करोगे तो ये x स्क्वायर बाय 2 1 से 2 थी? अब सोल्व कर लो, ये तो हाफ कॉमन ही आएगा, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर यानी 4 माइनस 1, फिर 2 बाई 2, 9 माइनस 4, फिर 3 बाई 2, 16 माइनस 9। ध्यान दो सब में हाफ कॉमन हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 5 इंटू 2 10, और 7 इंटू 3 21, सही है ना। अब ये 31 और 3 34 बाई 2 17 आ रहा है। केवल जैस्मिन का सही है इसके हिसाब से, तो नहीं प्रोडक्ट रूल से नहीं कर सकते, इसमें प्रोडक्ट रूल कैसे लगाओगे, ये बॉक्स है ना, तो बॉक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, बॉक्स का इंटीग्रेशन डिफाइन थोड़े होता है, वो तो जब तक ब्रेक नहीं करोगे तब तक बॉक्स का इंटीग्रेशन सोल्व ही नहीं होगा, बॉक्स हमेशा कांस्टेंट होगा ना, लेकिन कौन सा कांस्टेंट वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वो तो डिपेंड करता है ना कि यहाँ पे लिमिट क्या है। अब लिमिट 1 से 4 है तो ये तो 3 डिफरेंट टाइप्स के नंबर देगा, 1 से 2 में 1 दे रहा है, 2 से 3 में 2 दे रहा है, और 3 से 4 में 3 दे रहा है, तो 3 अलग अलग नंबर दे रहा है ना, तो जब ये 3 अलग अलग नंबर दे रहा है तो उसके लिए 3 अलग अलग इंटरवल हमें बनाने पड़ेंगे, ध्यान रखना। देखो वही तो मैं समझाया पहले ही बोला मैंने इस बात को कि बॉक्स का एक भी क्वेश्चन हमने डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं किया था, हमने बॉक्स हमने यहीं पर पिक करा है, तो जब भी बॉक्स आएगा, जब मैंने बॉक्स पढ़ा था तभी बोला था कि ये ओवरऑल वेरिएबल है लेकिन हमेशा एक सर्टेन इंटरवल में कॉन्स्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं, वो तुम्हें दिख भी रहा है, हर एक फिक्स इंटरवल में वो कॉन्स्टेंट वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें मैं ये जो इंटरवल होगा ना वो हमेशा इसके अकॉर्डिंग होता है कि जब जब इंटीजर चेंज करेगा जिस जिस नंबर पे चेंज करेगा उस नंबर पे हमें इसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन आसान है, रिजल्ट मुश्किल से आता है, मैं देखो शुरू से ही बात को समझा रहा हूं, सीरियसली लोगे तभी ये तुम्हें फायदा करेगा।
फोर्थ में ध्यान रखना कि जिस पे बॉक्स लगा है वो 2x है. फोर्थ का आंसर विश्वजीत का 4 आ रहा है, 6 आ रहा है. देखो समझो एक बार कैसे करते हैं, एक बार समझ लो आप. हाँ देख लो एक बार इधर. अब देखो करते कैसे थोड़ा, क्योंकि x वाई नहीं 2x है, यहाँ पर x बाय 2 आ सकता है, 3x आ सकता है, x स्क्वायर आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है. देखो समझने का तरीका क्या होता है. लिमिट जो है वो x के रिस्पेक्ट में है, और वो क्या है 1 से 3 है. जिस पे हमने बॉक्स अप्लाई किया वो नंबर कौन सा है, 2x है. ठीक है, देखो हमने सोचते कैसे कि x का लिमिट जो है, जो x का लिमिट है वो क्या है 1 से 3. x का लिमिट है 1 से 3, ठीक है. यही है बॉक्स किस पे, 2x पे. तो अगर x 1 से 3 जाएगा तो 2x कहां से कहां जाएगा भाई, 6 से ये जाएगा, 2 से 6. ये लिमिट 1 से 3 x है, तो क्योंकि बॉक्स 2x पे लगा तो 2x का लिमिट क्या आएगा, 2 टू 6. ठीक है, अब 2 से 6 में ना तुम सोचोगे तो 2 से 6 में नंबर ऑफ इंटीजर्स कौन से हैं, स्टार्ट 2 से 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा. जैसे मैं लिख रहा हूं ना, अगर उस तरीके से लिखोगे ना तो थोड़ा गलत मिस्टेक्स के जो चांस है ना वो कम है. इसके लेके मतलब स्टार्टिंग 2 से किया हमने, एंड हमने 6 पे किया, बीच में इंटीजर कौन से और आ रहे हैं, 3, 4, 5. ठीक है ना, ये 2x का वैल्यू है. हमें लिमिट किसके रिस्पेक्ट में लिखना होता है, x के रिस्पेक्ट में. तो अगर x का वैल्यू निकालोगे जिसके कोरिस्पोंडिंग 2x ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे. तो 2 को डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, 2 / 2 1, सॉरी 1 आएगा, 3 / 2 2, 5 / 2 और 3. देखो कैसे सोचते कैसे, वही मैं बता रहा हूं. 1 शुरू में आ रहा, अब लिमिट जो है ना यही लिमिट हमें चेंज करना है, यानी 1 से 3 / 2, फिर 3 / 2 से 2, फिर 2 से 5 / 2, देन 5 / 2 से 3. ध्यान, बस ऐसे ही लिमिट चेंज होगा. अब देखो अगर x 1 से, क्योंकि लिमिट हमेशा x के रिस्पेक्ट में आएगा,
और यहाँ पर वैल्यू किसका आता है, यहाँ पर इसका वैल्यू आएगा। तो अगर x इसके बीच में हुआ, देखो अगर x 1 से 3 बाई 2 के बीच में हुआ तो 2x था 2 से 3, और 2 से 3 में अगर 2x है तो बॉक्स 2x का वैल्यू क्या आएगा। अगर सोचो 2x अगर 2 से 3 में है तो अगर 2 से ज्यादा है और 3 से कम है तो 2x का बॉक्स 2 आ जाएगा। तो अगर 2 है तो ये 3, तो ये 4, तो ये 5, हो गया कहानी खत्म। अब तो dx तो सब में है, ठीक है। अब 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x हो गया इंटीग्रेशन, लिमिट क्या आएगा 1 से 3 बाई 2। फिर सब इसी तरीके से, ये 3 बाहर आ गया, लिमिट क्या है 3 बाई 2 से 4 बाहर, x 2 से 5 बाई 2। समझ गए या नहीं समझे बताओ। मतलब इसमें क्या, इसमें मिस्टेक्स के चांस कम है, ज्यादा तुम्हें केबीसी खेलना नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली एक अप्रोच दे रखा है कि भाई एक्स का लिमिट तो बाहर से पता चल जाएगा, फिर अंदर बॉक्स किस पे लगाएगा, तो जिस पे तुमने बॉक्स लगाया है उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यू आ जाएगा। अब सोचो बॉक्स जिस पे हमने लगा रखा है अगर लिमिट 2 से 6 में है तो लोअर लिमिट 2 हो गया, अपर लिमिट 6 हो गया, उसके बीच में और कितने इंटीग्रल वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, जितने नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज प्रोड्यूस कर रहा है उसको हमने अप्लाई कर दिया। अब वो 2x का वैल्यू हो गया, उससे 2 डिवाइड करके हमने x का लिमिट निकाल दिया, इससे क्या होगा हमें वो लिमिट अप्लाई करना है और इसके कोरस्पोंडिंग जो 2x का जो बॉक्स आएगा वो हमें यहां लिख देना। बताओ समझो, कोई डाउट हो तो पूछो। फोर्थ का आंसर बताओ पहले। फोर्थ का दो लोग निकाला है, एक का 6 है और एक का 7 है। जैस्मिन का भी 7 आ रहा है।
चलो सेवन आ रहा है सबका, तो सेवन मान लेते हैं, फोर्थ का आंसर सेवन मान लिया, ठीक है। फिफ्थ का बताएं, फिफ्थ का आदित्य का आ रहा है 8/3, और किसी का, आर्या का भी 8/3, क्षितिज का आ रहा है 2, अच्छा अलग अलग आ रहे हैं इसमें भी, जैस्मिन का भी 2 आ रहा है। देखो भाई चेक करो भाई क्या क्या आ रहा है ठीक से, बोलो टाइम थोड़ा लो यार, लेकिन आंसर सही निकालो आप लोग। रुद्राक्ष का भी सबका 2 आ रहा है, फिफ्थ का आंसर सबका 2 आ रहा है। चलो भाई फिफ्थ का आंसर 2 है फिर मान लिया, करना तो नहीं है। सेवंथ का अब सिक्स का कितना है, सिक्स हो गया क्या? देखो सिक्स में मॉड ओपन करना है, 2 तो बाहर जाएगा, 2 तो बाहर आ गया, बचा मॉड एक्स। अब ये मत बोलना सिर्फ मॉड भूल गया ओपन करना, आंसर लिखते हो तो क्वेश्चन नंबर तो लिखा करो, पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन नंबर डॉट आंसर। सिक्स का 10 आ रहा है, आदित्य का 8 आ रहा है, और क्षितिज का 10 आ रहा है। तो इसमें मॉड ओपन करेंगे ना, टू बाहर आ गया, मॉड -1 से 3 dx। अब देखो इसको कैसे ओपन करेंगे, मॉड ओपन करना है तो -1 से 0 +0 से 3, अलग अलग क्यों कर दिया कि देखो mod x क्या होता है, ये तो भाई बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं इसमें, कि mod x क्या होगा, x नेगेटिव में ओपन होगा जब x 0 से कम हो, तो ये इंटरवल 0 से कम वाला है और ये इंटरवल 0 से ज्यादा वाला है,
तो इसमें क्या होगा, मॉड एक्स कैसे ओपन होगा, नेगेटिव के साथ, तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस वन से जीरो, और यहाँ पे प्लस के साथ वन जीरो से थ्री, ठीक है, हो गया, ओपन कर लो, माइनस बार आ गया, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, माइनस वन से जीरो, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाय टू, हाफ को बाहर ले लिया और माइनस था वो भी बाहर ले लिया हमने, अब ये तो माइनस वन हो गया, लिमिट स्क्वायर है ना, जीरो माइनस माइनस वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, ये भी थ्री का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, यानी ये माइनस वन प्लस नाइन, सिक्स का आंसर एट आ रहा है, उत्तरी केवल आदित्य का आंसर सही है भाई। देखो मैं बार बार भूल रहा हूँ यार, कि अब ये किसी ने क्या कर दिया, प्लस कर दिया भाई इसको, अब प्लस ही होगा यार, क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस है तो, सॉरी यार, बिल्कुल टेन आएगा, टेन आएगा, माइनस भी दो यहाँ पे, तो ये माइनस वन का स्क्वायर वन होगा, माइनस वन माइनस वन प्लस वन हो गया, ये तो नाइन हाई, नाइन प्लस वन टेन है, बिल्कुल सही, यानी इसमें जैस्मिन आदित्य का सही है, क्षितिज का भी सही है। हाँ भाई कैलकुलेशन ध्यान रखो, हाँ सेवंथ का
सेवेंथ का 5/2 चलो भाई, दो लोग का आ रहा, दोनों का 5/2 ही आ रहा है। सबका 5/2 चलो जस्ट। लेट आया एट का 5/2। देखो ये बड़ा आसान होता है, मैं बार बार इसको एक्सप्लेन कर दिया कि अंदर जिस पे भी बॉक्स लगा है ना, एक्स का अगर ये इंटरवल है तो इसका क्या इंटरवल होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से आउट इंटीजर को क्रॉस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग तुम निकाल लेना, ठीक है ना। तो मैं कुछ होमवर्क के लिए भी दे दिया हूं कि प्रैक्टिस जरूरी है इस पे।
एट्थ में एक लोग का ही है, चलो आए लोग बहुत कम लोग है तो आज रहने देते हैं यहीं पे। ठीक है इतना कर लेना, मैं आंसर लिख देता हूँ, कुछ कुछ का आंसर है मेरे पास। तो एट्थ का जो है वो बिल्कुल सही है, अदम्य का और आदित्य का दोनों का सही है, 117/10 ये एट्थ का आंसर है। ठीक है नाइन्थ का पता नहीं, नाइन्थ निकाल लेना, देखा नहीं होने। टेंथ का जीरो नहीं है, बिल्कुल नहीं, फोर है। रूट से कोई टर्म बाहर निकालते हैं तो बार बार बोलता हूं उस पर मॉड लगाना चाहिए, मॉड नहीं लगाओगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये भी पता नहीं, इसका भी भाई कर लेना, इसकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए नहीं तो फिर वो गड़बड़ होगा मेरे साथ। नाइन्थ का एक कहीं और किसी का तो है नहीं इसलिए आंसर बोल नहीं सकता। ठीक है तो कर लेना और फिर मैं बोलना मॉडुलस, फ्रैक्शन और जीआईएफ, इन तीनों के फंक्शन को वापस रिविजिट कर लेना एक बार, चीजों को समझ लेना, याद कर लेना। ठीक है एक और लिख देता हूं, स्टार्टिंग में यही कराया था, प्रॉपर्टीज ही कराया था, टोटल तीन प्रॉपर्टीज कर लिया ना हमने, तो ये थर्ड पे है और फर्स्ट सेकंड तो बड़े बेसिक्स थे, तो एक बार यूट्यूब पे देख लेना जब अपलोड हो जाए तो। ठीक है चलो और कोई डाउट नहीं है कर लेना, देखो प्रैक्टिस जरूरी है, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ स्कोरिंग यूनिट है लेकिन ये डिमांड करता है प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस करोगे ऐसे ही पूरे मैथ्स में ही प्रैक्टिस होती है लेकिन डेफिनेट में क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है और बहुत थोड़ा एक भी माइनस प्लस है आगे पीछे हो गया आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है चलो ओके थैंक यू मिलते हैं।